हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लव योरसेल्फ। आज मैं आप लोगों के साथ 10 मिनट में बनने वाली बहुत ही इजी टेस्टी नाश्ते की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर हमने 5 मीडियम साइज के आलू को बॉईल करके ग्रेट कर लिया है। अभी इसमें डाल देंगे 2 चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स, स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच क्रश्ड कसूरी मेथी, 1/2 कप बेसन। बेसन डाल के सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अगर जरूरत पड़े तो बाइंडिंग के लिए और थोड़ा सा बेसन हम डालेंगे इस मिक्सचर में। तो ये मिक्सचर थोड़ा सा गीला है, इसीलिए हम और थोड़ा सा बेसन इसमें डाल रहे हैं, लगभग 1/2 कप। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी डाल देंगे 2 से 3 चम्मच तेल। तो देखिए बहुत ही सॉफ्ट एक डो हमने बना लिया है। अभी इससे पूरी के लिए जैसे लुई काटते हैं वैसे ही छोटे छोटे लुई काट लेंगे। तो देखिए चकले के ऊपर पहला वाला लुई लिया है, इसके ऊपर थोड़ा सा बेसन छिड़क कर एक पूरी हम बेल लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा बेसन छिड़क कर हम इसे बेल लेंगे। तो देखिए हमने एक पूरी बेल लिया है और ये ना ही ज्यादा मोटा है और ना ही ज्यादा पतला है। अभी इसे रोल कर लेंगे। पहला वाला रोल हमने बना लिया है, अभी ऐसे ही सारे बना लेंगे। तो अभी आलू और बेसन के रोल्स को हम फ्राई कर लेते हैं चूल्हे पर कढ़ाई में। तेल गरम करने के लिए बिठा दिया था, तेल हल्का गरम हो गया है। अभी लो टू मीडियम फ्लेम पर एक एक करके सारे रोल्स हम फ्राई कर लेंगे। तो ये एक साइड से पक गए हैं, अभी इनको दूसरी तरफ से पलट देते हैं। तो देखिए पहले वाले रोल्स अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, इनको अभी तेल से निकाल लेते हैं और ऐसे ही सारे रोल्स हम फ्राई कर लेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वाली रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि ऐसे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।